हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों कराऊंगा। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले दोस्तों पार्ट नंबर 3 में यहाँ पर क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं दोस्तों। दोस्तों ये आपका पेपर है 27 जनवरी 2019 का दोस्तों। तो इनके सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने कंप्लीट आपको बता दिए। तो आपका 4 पार्ट यहाँ पर आखिरी वाला पार्ट बचा है दोस्तों, जिसमें हमने रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं आपके। और दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ टेक्निकल के क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए हैं, जो दोस्तों आपके मैथमेटिक और रीजनिंग के होंगे। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर रीजनिंग के देखेंगे, जीडी के, और दोस्तों बाद में हम टेक्निकल के देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए। और दोस्तों शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज ही मिलती है इंडियन आर्मी के आधार पर नई नई जानकारियाँ दोस्तों, और नए नए पेपरों के हल। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 1, 5, 13 और 25 और 41 दोस्तों। अब देखिए आपके यहाँ पर खाली स्थान भरना है। देखिए दोस्तों पहले आप एक नियम निकालते हैं, हमेशा जब भी आपको श्रृंखला दी रहती है दोस्तों, पहले आप एक प्रॉपर नियम निकालते हैं जिसके तहत दोस्तों ये फॉलो नंबर करते हैं सभी को। एक के बाद आपका देखिए कितने का 4 की गैपिंग आ गई, फिर दोस्तों देखिए कितनी गैपिंग आ गई, 8 की गैपिंग आ गई, और फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों कितने की आ गई, यहाँ पर 12 की आ गई, और फिर यहाँ पर 16 की गैपिंग आ गई। तो यहाँ पर कितने की आएगी दोस्तों, देखिए आप नीचे वालों में देखिए प्रॉपर एक आपको संबंध यहाँ पर दिखाई देगा। 4 के बाद गुणा 2 किया आपने, फिर 4 किया 12 किया आपने, फिर 4 को 16 किया आपने। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर 4 का मल्टीपल नीचे आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4 × 5 = 20 आ जाएगा आपका। तो आप यहाँ पर जब 20 को ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों अननोन क्वांटिटी मिल जाएगी। तो 41 + 20 करेंगे तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 61 यहाँ पर मिल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या था देखिए, यदि AYS = BAT हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है बी वाई एस को क्या लिखेंगे। दोस्तों देखिए ए की जगह पर आप क्या रखेंगे, ए के बाद आपका बी आता है, तो आपको यहाँ पर बी लिया है। देखिए ए के लिए दोस्तों बी लिया है, वाई के लिए दोस्तों ए लिया है, और एस के लिए यहाँ पर इन्होंने टी लिया है। तो यहाँ पर देखिए वही आपको करना है, कुछ भी नहीं करना आपको दोस्तों। बी के लिए क्या करेंगे आप दोस्तों, बी के लिए आप सी कर देंगे, क्योंकि देखिए आपका एक आगे को बढ़ रहा है। देखिए बी के बाद आप सी कर देंगे, और पीछे वाले के लिए एस के बाद आप क्या कर देंगे, टी कर देंगे। और दोस्तों वाई के लिए क्या कर देंगे आप, वाई के लिए आपने देखा यहाँ पर ए किया था, दो जगह आया था आपका, तो वाई के लिए आपका ए हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर दिखता है ऑप्शन नंबर सी वाला दिखता है देखिए, तो आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या था, रक्त संबंध वाला आया था, ब्लड रिलेशन वाला यहाँ पर आया था। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध था। दोस्तों देखिए पहले आप क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पर पहले आपने एक अमित को मान लिया। अब देखिए अमित का संबंध आपको बताना है इस लड़की के साथ जिसकी ओर ये इशारा कर रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर संबंध बताना है। अब देखिए इससे पहले आपको क्या दिया दोस्तों, उसकी माँ, अमित की माँ यहाँ पर होगी मान लीजिए माँ, माँ के दोस्तों पोते, माँ के पोते की क्या ये पत्नी है। अब देखिए पहले आप ये निकाल लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर अमित की माँ का पोता अमित का क्या लगेगा, ये दोस्तों क्या लगेगा आप निकाल लीजिए, ये दोस्तों इनका अमित का बेटा होगा, क्योंकि दोस्तों माँ का पोता मतलब बेटा, तो अमित का बेटा हो गया। अमित के बेटे की पत्नी क्या होगी दोस्तों, ये बहू हो गई, अर्थात ये जो इनके बीच में यहाँ पर संबंध होगा दोस्तों क्या होगा, ससुर और बहू का होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दिखता है सी वाला, तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और जब भी दोस्तों आप इनको करेंगे देखिए आप एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह आप यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे, इससे आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अक्षर ADCGE इस क्रम को पूरा करता है, अर्थात दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है खाली स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला क्या है आपका, ए के बाद दोस्तों आपका देखिए एक स्थान छोड़ के आपका सी आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपने एक को छोड़ दिया, फिर देखिए आपका सी के बाद दोस्तों डी को छोड़ा आपने ई आ गया देखिए, और वैसे यहाँ पर देखिए डी के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आता है, जी आता है, आपने कितनों को छोड़ा, आपने दोनों को छोड़ा, डी के बाद आपने ई को छोड़ा, एफ को छोड़ा, तो जी आ गया आपका। तो यहाँ भी कितनों को छोड़ के आएगा, दोनों को छोड़ के आएगा, तो जी के बाद आप दोनों को छोड़ दीजिए, जी के बाद एच आई दोनों को छोड़ दिया आपने, तो जे आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आए थे देखिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को पूरा करना है, लगातार आपके वही आए हैं दोस्तों श्रृंखला वाले। देखिए आपको यहाँ पर पहला दिया 20, फिर 19, फिर 17, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अननोन यहाँ पर क्वांटिटी को भरना है, यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर 5। दोस्तों देखिए पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर डिक्रीजिंग एक श्रृंखला है दोस्तों, अर्थात ये घटती हुई आपकी श्रृंखला है। दोस्तों कितना घट रहा है देखिए, पहले वाले में आपका कितना घटा 1, दूसरे वाले में आपका कितना घटा 2,
अगले वाले में दोस्तों आपका कितना घंटा चाहिए, 3, और यहाँ पर आपका 4, और यहाँ पर आपका 5। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये नियम आपका बिल्कुल लग रहा है, लगातार आपका यहाँ पर 1, 2, 3, 4 घटता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना घट जाएगा, 17 में से आपने कितना घटाना है दोस्तों, 3 घटाना है। तो 17 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा, 14 आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम टेक्निकल ये क्वेश्चन को देखते हैं, जितने हमें मिले थे दोस्तों उनको हम बताएंगे आपको। लॉग एक्स वाई का मान दोस्तों आपको बताना था क्या होगा। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर बहुत ही सरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब भी दोस्तों लॉग अंदर यहाँ पर एक्स गुणा वाई होगा, मतलब एक्स वाई का मतलब वही हो गया दोस्तों आपका गुणा हो गया, तो दोस्तों आप क्या करते हैं लॉग एक्स सेपरेट कर देंगे आप प्लस लगा के देखिए और लॉग वाई, तो ये आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका दोस्तों यहाँ पर बीच में यदि आपका भाग आता है दोस्तों, गुणा की जगह पर भाग आता है, तो आप क्या कर देंगे यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यदि यहाँ पर भाग आएगा तो आपके यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया था, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई दोस्तों आपकी 80 मीटर और 60 मीटर दी थी, और उसके अंदर किनारों पर दोस्तों 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना गया, पाथ बना गया है, तो आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल अर्थात एरिया क्या होगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन आया था देखिए ये भी आपका, ये आपको यहाँ पर क्या देना है, पहले दोस्तों एक आयत बनाना है जिसकी दोस्तों लंबाई आपकी 80 है और ये चौड़ाई आपकी 60 है। अब देखिए दोस्तों अंदर ही अंदर आपको देखिए पाथ अंदर बनाना है, तो ये ध्यान देना आपको अंदर काट दिया आपने, 3 मीटर का बनाना है दोस्तों। अब आपको इसकी दोस्तों क्या बतानी है, एरिया। देखिए पहला काम आप क्या करेंगे दोस्तों, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आपका दोस्तों A1 हो गया बाहर वाले का, और अंदर वाले का A2। तो केवल आपको दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो वो दोस्तों आपका एरिया इक्वल टू क्या होगा आपका रास्ते का, A1 माइनस A2। अब देखिए A1 क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई आपको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका, तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई आपका दोस्तों 80 गुणा 60 हो जाएगा, ये आपका 4800 हो जाएगा। अब दोस्तों अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई आप निकाल लीजिए, देखिए ये लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, चौड़ाई आपकी कितनी बची, 3 यहाँ कट गया 3 यहाँ कट गया, तो दोस्तों आप 6 घटा देंगे, तो 6 घटाने पर दोस्तों आपका कितना बचेगा, ये आपका केवल दोस्तों 54 आएगा, और वैसी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये दोस्तों आपके यहाँ पर 74 हो जाएगी, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 74 गुणा 54 आपका दोस्तों A2 आ जाएगा, और ये गुणा करने पर दोस्तों आप गुणा कर देंगे, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर गुणा करके आ जाएगा। अब देखिए आपका A1 और A2 दोनों आ गए दोस्तों, इन दोनों को आप घटा दीजिए, इनको घटाएंगे तो आपको यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू आपका यहाँ पर दोस्तों घटा के आपका आएगा 804। तो इतना दोस्तों आपका वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखता है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका अनुपात वाला आया था और समीकरण भी यहाँ पर बन रही थी आपकी, एक A-B अनुपात A+B इक्वल टू आपको 1/5 दिया है, तो आपको दोस्तों A²-B² अनुपात A²+B² आपको निकालना था। देखिए दोस्तों इन क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, पहले आपको A-B अनुपात का मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, बट्टा ही होता है आपका, भिन्न ही होता है, तो ये आपको यहाँ पर पहले दिया था। अब यदि दोस्तों आप यहाँ पर तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए A-B इक्वल टू 5 मिलता है और A+B इक्वल टू दोस्तों A-B इक्वल टू आपको 1 मिलता है और A+B इक्वल टू आपको 5 मिलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, इनको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको A इक्वल टू कितना मिलता है, 3, और B इक्वल टू 2 मिलता है, और इनको दोस्तों आप जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपको ये क्वांटिटी मिलती है। अब देखिए दोस्तों आपको निकालना क्या है, ये निकालना, अब आप A की जगह पर ये रख दीजिए और B की जगह पर ये रख देंगे तो आपको दोस्तों ईजिली यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए पहला वाला क्या आता है, 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये दोस्तों आपका यहाँ पर 5 आ गया - 13 आ गया, तो दोस्तों 5/13 आपका यहाँ पर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला दिखता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्या आया था, घन का आयतन निकालने को आया था, भुजा जहाँ पर दोस्तों आपको x दी है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया था जो उन्होंने यहाँ पर केवल इतना बताया था दोस्तों, एक घन का आयतन आया था, तो यहाँ पर भुजा आपकी जो भी होगी दोस्तों वो आप गुणा कर देंगे। देखिए केवल आपको आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो फॉर्मूला दोस्तों आपका आयतन का होता है भुजा का क्यूब, दोस्तों भुजा का घन कर देंगे तो यही आपका दोस्तों आयतन होता है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, यदि ये दोस्तों आपका यहाँ पर एक्स मीटर है तो ये आपका एक्स क्यूब का घन मीटर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जब भी आप आयतन निकालते हैं दोस्तों आप घन मीटर हमेशा रखिएगा, और जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पर वर्ग मीटर आप रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपके यहाँ पर ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, tan 2π का मान निकालने को आया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले tan 2π को निकालने के दो तरीके हैं दोस्तों, 2π का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों आपका tan 360, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए पाई बराबर आपका 180 होता है, 180 डिग्री दोस्तों।
अब देखिए 10 2 पाई मतलब आपका 360 हो गया दोस्तों, और ये आपका मान दोस्तों 0 होता है। देखिए यदि आप चाहें तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, और दोस्तों एक फॉर्मूला आपका होता है 10 360 इक्वल टू साइन 360 अपॉन कॉस 360। और दोस्तों यहाँ पर देखिए साइन का होता है दोस्तों 0 और कॉस का यहाँ पर होता है 1, तो इनको आप डिवाइड करेंगे ये भी दोस्तों आपके यहाँ पर 0 ही देगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का भाग देने पर दोस्तों हमेशा 0 आता है, और यदि हम 0 से किसी नंबर में भाग देंगे दोस्तों वो आपका यहाँ पर इन्फाइनाइट आता है, वो भी आप याद रखेंगे 1/0 आपका हमेशा इन्फाइनाइट होता है दोस्तों, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अब देखिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है जो हमने यहाँ पर लिया है, यदि दोस्तों AEC=9 है तो आपको बताना है KLP क्या होगा। दोस्तों देखिए ये आपका यहाँ पर 9 कहाँ से आता है पहले आप ये देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए A का स्थान क्या आता है आपका 1 आता है, प्लस E का स्थान क्या आता है ABCDE 5वां स्थान आता है, और प्लस C का स्थान कौन सा आता है दोस्तों ABC 3रा स्थान आता है, तो ये दोस्तों आप यहाँ पर तीनों को ऐड करके यहाँ पर 9 आता है, तो वैसे ही दोस्तों आपको इनको भी ऐड करना है, इनके स्थानों को ला करके इनको ऐड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए K का स्थान कौन सा आता है, L का और P का आपको याद होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर एक इजी तरीका क्या है दोस्तों, आप याद कर लें कि आपका दोस्तों M यहाँ पर 13वां आता है, क्योंकि M दोस्तों आपका बिल्कुल मिडल वर्ड होता है, आपको पता होगा अल्फाबेट में हमारे 26 वर्ड होते हैं, उनमें M आपका मिडल होता है। अब देखिए M से आप पहले जाएंगे तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, अर्थात दोस्तों आपके 12वां और 11वां आपका दोस्तों यहाँ पर K और L होंगे, और बाद में आप MNOP तीसरे वाले में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा P मिलेगा, तो अर्थात 13 के बाद 14 15 16, तो दोस्तों आपका 16, तो इस तरह आप यहाँ पर इनको इजीली निकाल लेंगे, इनको आप ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर मिलेगा 39 अर्थात 39 आपको मिल जाएगा, तो आपका यही दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन, और भी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन में मिलते जाएंगे हम आपको कराते जाएंगे, और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे साथ बने रहेगा। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, जय हिंद जय भारत।